कई सोशल मीडिया यूजर्स कुछ तस्वीरें अपलोड करते हुए लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक मदरसे से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि पुलिस ने दंगे कराने की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से देश भर में मदरसों को बंद करवाए जाने की आवाज उठ रही है, जिसकी शुरुआत असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि वो प्रदेश में चलने वाले मदरसों को बंद करवाएंगे। इस क्रम में कई गलत जानकारियां, झूठी खबरें शेयर की जा रही हैं, जिनसे एक बड़े वर्ग में यह संदेश भेजे जाने की कोशिश हो रही है कि मदरसे सेक्सुअल हैरेसमेंट और आतंकवाद का अड्डा है। तो वायरल हो रहे सोशल मीडिया पोस्ट में कुल चार तस्वीरें हैं जिनके आधार पर हथियार बरामद होने और दंगे की साजिश नाकाम किए जाने की बात कही जा रही है। मगर इन वायरल हो रहे पोस्ट में मामला उतना साफ नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की गई है। असल में यूपी के बिजनौर जिले की मस्जिद में हथियार मिलने की बात सच है, मगर यह घटना 1.5 साल पुरानी है। 10 जुलाई 2019 को अवैध हथियार की एक टिप मिलने के बाद मदरसा दारुल कुरान हमीदिया में रेड मारी गई थी और कुल 5 हथियार बरामद किए गए थे। ये सारे हथियार कंट्री मेड यानी देसी कट्टे थे। कुल 6 लोगों की मौके से गिरफ्तारी भी हुई थी। मगर वायरल हो रही तस्वीरों में मात्र एक ही तस्वीर है जिसका बिजनौर की इस 1.5 साल पुरानी घटना से संबंध है। बाकी 3 तस्वीरों के बारे में हम एक एक करके आपको बताते हैं। वायरल हो रही फोटो नंबर 2 को जब हमने रिवर्स इमेज सर्च किया तो टम्बलर नाम की वेबसाइट पर यह मिली। वहां इसे मार्च 2019 में पोस्ट किया गया था। चूंकि बिजनौर में हथियारों की बरामदगी जुलाई 2019 में हुई थी, इसलिए मार्च 2019 में शेयर की जा चुकी यह तस्वीर इस मामले से जुड़ी नहीं हो सकती है। वायरल हो रही फोटो नंबर 3, ऑल्ट न्यूज ने इस तस्वीर का भी रिवर्स इमेज सर्च किया और हमें शामली पुलिस का एक ट्वीट मिला। इसमें यह तस्वीर दिखाई देती है। इस ट्वीट के मुताबिक एक मदरसे में छापा मारने के बाद वहां से कुछ नाजायज दस्तावेज, विदेशी मुद्रा और मोबाइल फोन्स बरामद हुए थे। यह घटना भी जुलाई 2019 की ही है। वायरल हो रही तस्वीरों में आखिरी तस्वीर गुजरात के राजकोट की है। इसमें दिख रही तलवारें मदरसे से नहीं बल्कि अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर इंडिया पैलेस नाम के एक होटल से बरामद हुई थी। यहां तलवार और चाकू सहित 250 से भी ज्यादा घातक हथियारों को जब्त किया गया था। इस छापेमारी में होटल के मालिक सहित 5 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। यानी 4 अलग अलग घटनाओं की तस्वीरें दिखाकर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मदरसे से हथियार बरामद हुए और पुलिस ने दंगे की साजिश को नाकाम किया, और साथ ही इन झूठे दावों के दम पर सीएम योगी को शाबाशी भी दी जा रही है।